अब इतने प्यार से दे रहा है तो ले लीजिए ना। हाँ बाबूजी, इनको सुधर खांस लो, सब छींक लो। हाँ बाबूजी, इनको सुधरने का एक मौका, सॉरी। हाँ बाबूजी, इनको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। डॉट। हाँ मयूरी के बाबूजी, इन्हें माफ कर दीजिए और बैठ जाते हैं आज के बाबूजी, इन्हें माफ कर दीजिए और नहीं सर वापस ले लीजिए तो बट गया। हाँ मयूरी के बाबूजी, इन्हें माफ कर दीजिए और मिठाई ले लीजिए। ठीक है बेटा, बलवान जी आपको माफ किया। बलवान है, थैंक यू। ये लीजिए, लाइए। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीवाली। हैप्पी दीपावली। मिठाई खाइए और दिवाली बनाइए। बाबूजी आपको भी दीपावली चिड़ियाघर की तरफ से शुभ हो। थैंक यू। पैर छूता हूँ बाबूजी, चलो। बाय बाय। हरिओम। वाह बाबूजी, मिठाई शुद्ध देसी घी की है। लेकिन हमको कुछ गड़बड़ लग रही है डरते, क्योंकि हमने ना तो आम बोया है और ना ही बबूल, फिर मिठाई सॉरी क्या मैं? वाह बाबूजी, मिठाई शुद्ध देसी घी की है। लेकिन हमको कुछ गड़बड़ लग रही है डरते, ना तो हम लोगों ने आम बोया है और ना ही बबूल, फिर ये मिठाई हमें कैसे मिल सकती है डरते। अरे चिया रीटा, कोई गड़बड़ नहीं है, मिठाई तो है। मिठाई है। ये दिवाली की मिठाई स्वीकार कीजिए। मिठाई? एक्चुअली मुझे मां भैया महंगी वाली मिठाई लग रही है। देखिए ये मिठाई हम नहीं ले सकते। जम अभी यहां से ले रहे सर। मैं ये क्यों, आवश्यकता अब नहीं है बाबूजी। अब इतने प्यार से दे रहा है तो ले लीजिए ना। हाँ बाबूजी, इनको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। टोटो। मयूरी, हाँ बाबूजी, मयूर भी कहती है माफ कर दीजिए, मिठाई ले लीजिए। ठीक है बेटा, बलवान जी आपको माफ किया। थैंक यू। ये लीजिए, लाइए। हैप्पी दीपावली। मिठाई खाइए और दीपावली मनाइए। हैप्पी दीपावली। बाबूजी आपको भी दीपावली चिड़ियाघर की तरफ से शुभ हो। थैंक यू बाबूजी, हरिओम। हरिओम। वाह बाबूजी, मिठाई शुद्ध देसी घी की है। इसमें तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मिठाई शुद्ध देसी घी की है। चुईया, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हमने ना आम बोया और ना ही बबूल, फिर मिठाई कहाँ से मिलेगी? चिया रीटा, कोई गड़बड़ नहीं है, मिठाई है, मैं तो अभी खाऊंगा। हाँ। हम भी खाएंगे मिठाई। ना मुझे दे, मैं खोल देता हूँ। भैया एक मिनट, मैं खोलता हूँ ना। अरे मैं खोल रहा हूँ ना। ले ओपन। अरे देखो कौन सी मिठाई है, देखो। रुकना अभी, खोल रहे। क्या महक है? वो अपनी तरफ से आगे से। बूम।
सेकंड सॉरी ये ला। आप लोग अंदर कैसे आए? बाबूजी क्या मंदिर में आने वालों से भगवान ये सवाल करते हैं कि नहीं? आपका मतलब है कि चिड़ियाघर आपके लिए मंदिर है डरते डरते, और बाबूजी आपके लिए भगवान है डरते डरते हैं? बाबूजी हरियो हरियो भगवान, बाबूजी क्यों आप सब भगवान? आप छोटे भगवान, आप मोटे भगवान, आप बच्चे भगवान, आप बूढ़े भगवान, और भगवान के चरणों में भगवान गिर के माफी मांगना चाहता है, पैर भी गिर पड़ा। बाबूजी हरिओम हरिओम भगवान, ये क्या कर रहे हो? उठिए उठिए भगवान, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए और ये मिठाई स्वीकार कीजिए। मिठाई? ये मिठाई हम नहीं ले सकते। दुर्बल क्यों नहीं ले सकते? इसमें मिठाई ही तो है, क्यों भैया? भगवान मैं बात कर रहा हूँ ना, क्या आप हमारी गलती माफ नहीं करेंगे? बाबूजी प्लीज आप बोलिए ना बाबूजी, जो गलती हो गई उसकी सजा दीजिए, हमें जूता मारिए। हाँ मयूरी के बाबूजी, इन्हें माफ कर दीजिए और मिठाई ले लीजिए। बाबूजी ठीक है बेटा, बलवान जी आपको माफ किया। बलवान थैंक यू ये लीजिए डब्बा, लीजिए लीजिए ना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये बाहर गए कभी? अरे वाह ये देसी घी के लग रहे हैं। लेकिन हमको कुछ गड़बड़ लग रही है डरते डरते, अगर हमने आम नहीं बोया और बबूल भी नहीं बोया तो फिर ये मिठाई हमें कैसे मिल सकती है डरते डरते? अभी हमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मिठाई मैं अभी खाऊंगा। जरा आम नहीं खाएंगे दो करेला मैं खोलता हूँ। ए आम दी नहीं खाओ, ये खोलने लगे खोलो ले ले खोल दिया। अरे अब डब्बा भी तो खोलो, देखो तो कौन सी मिठाई है। हाँ हाँ खोलते खोलते खोलते, और ये डब्बा खोला बूम। ओ देखो देखो जो काले हो गए दोनों के, क्योंकि इधर देखो वहाँ फंसा है, फंसा है वहाँ से। बाबूजी हरिओम गजारे वाह, अब भैया ने मिठाई के साथ साथ ये देखो पटाखे भी दिए थे। थैंक यू चुप कर बोला ना अभी, इसकी तो मैं ना अभी कभी निकला। अरे तो हमने कहा था इनसे डरते डरते चल।
जमींदार जी कहते हैं कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। और अगर बबूल खुद तो गलती करता है, हमसे भी करवाता है। और ये कहने का मतलब है कि आदमी जो कुछ भी करे बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि करने के बाद पछताने से क्या होता है। पेड़ अगर बबूल का लगाओगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। और आम का लगाएंगे तो क्या मिलेगा? हरिओम मिलेगा, हरिओम। संतरा बेवकूफ क्या, आम के पेड़ से आम ही मिलते हैं, मतलब जो दोगे वो मिलेगा। हैं? हाँ। अच्छा, मतलब इस बार दिवाली पे मयूरी जो भी गिफ्ट देगी मयूरी को वापस मिलेगा। फिर तो ठीक है, मयूरी चुईया को ना बनारसी साड़ी देगी। अरे वाह, फिर तो हम वो बनारसी साड़ी जरूर पहनेंगी डरते डरते। मतलब मम्मी को कुछ नहीं मिलेगा? दादाजी ऐसा भी होता है, आप कुछ दो और आपको कुछ ना मिले? हाँ बाबू जी, डालिए इस पे थोड़ी लाइट, क्योंकि टेंशन हो रही है टाइट। बेटा जिंदगी में गिफ्ट और लिफ्ट से थोड़ा सा ऊपर उठ के भी सोचा था। जिंदगी में क्या डालो बोलो। आप कैसे आ गए अंदर? कैसी बात कर रहे बाबूजी? हाँ बोल। कवर कर लिया दो बजे आके होगा। आप उधर जाइए, उधर जाइए। आप अंदर कैसे आ गए? कैसी बात कर रहे बाबूजी? कभी भगवान भी मंदिर में आने वाले से पूछता है कि कैसे अंदर आ गए? बाबूजी क्या आप सब भगवान हैं? आप मोटे भगवान, आप थोड़े छोटे भगवान, आप भोंडे भगवान, आप एकदम छोटे भगवान, और सभी भगवान के सामने ये बलवान ना सर झुका के माफी मांगने आया है। अरे पैर भी गिर जाओ, पैर भी गिर जाओ। ऐसे नीचे इधर ले जाऊं? बाबूजी के पैर पे जाओ। बाबूजी पैर पे बलवान, आप सबके रोलम बंचिंग। और आप सब भगवान हो और बलवान आपके सामने सर झुका के माफी मांगने आया है। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, उठिए उठिए। आप मुझे माफ नहीं करेंगे? आप बोलिए। कभी आप भाभी जी आप, अगर हमारी कुछ गलती हो तो आपका जूता हमारा सर कीजिए और ये दिवाली की मिठाई स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं देखिए, ये मिठाई तो हम नहीं ले पाएंगे। मिठाई क्यों नहीं ले पाएंगे? मिठाई ही तो है इसमें। क्यों भैया? अबे अभी थोड़ी ना। हाँ ओके भाई है। ओके हमारा मिठाई तो है इसमें। क्यों भैया जी? मैं बात कर रहा था, बात कर रही थी। मतलब बाबू जी आप हमें माफ नहीं करेंगे? गोमुख जी, कपी जी, गोमुख जी, कपी जी, भाभी जी, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें सजा दीजिए, हमारा सर अपना जूता कीजिए। लीजिए मारिए हमको, मारिए हमको, पर हमको माफ कर दीजिए। अरे हम कह रहे हमको मारिए, जूते से मारिए हमको, पर लेकिन जनरल जी, जनरल जी, अगर आप यहां सामने। अरे ये क्या किया? आप ही तो कह रहे थे जूता मारिए, मार दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो भैया ने जूते भी खा लिए, आप लोग मिठाई खा लीजिए और हमें माफ कर दीजिए। देखिए हमने आपको वैसे ही माफ किया, लेकिन मिठाई की जरूरत नहीं है। लाइए लाइए, हैप्पी दिवाली, मिठाई खाइए, दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली, मिठाई खाइए और दिवाली मनाइए। आपको भी, आपको हैप्पी दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली। अरे यार क्या, चलो पैर छुपाओ जी। अरे हो गया।
आप तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं आज। हैप्पी दिवाली बाबूजी। ब्लैक बोर्ड पे कुछ सबक सिखाया जा रहा था, प्लस एक गंदा मजाक किया जा रहा था। था क्या बेसिकली सीक्वेंस ये? एक्चुअली क्या है कि जो बलवान है वो कई बार वो चिड़ियाघर वालों से थोड़ा सा जेलसी रखता है और वो हमें परेशान करता रहता है। उसके बावजूद भी बाबूजी उसे एक अच्छे सबक के साथ अच्छी बातें सिखाते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन क्योंकि वो बलवान है, उसे अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा ही मतलब घमंड टाइप से है, तो इस बार वो अचानक से कोई गलती ना किए हुए मिठाई का डब्बा लेके आया है और हैप्पी दिवाली विश कर रहा है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो सब लोग थोड़ा सा हो गए हैं कि अरे ये ऐसे कैसे बोल रहा है, और सब लोगों को लगा कि नहीं शायद ये सुधर गया। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि नहीं, ये बंदा एकदम से इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। तो मैं मना कर रही हूँ कि वो मिठाई का जो डब्बा है वो मत लो, कुछ भी मिक्स कर सकता है वो, उसमें कुछ भी कर सकता है। लेकिन कपी बात नहीं सुनता है मेरी और अपनी ज़िद में आके वो मिठाई का डब्बा ले लेता है, और बाद में पता चलता है कि उसने उसमें बॉम्ब रखा हुआ है। दिवाली बहुत पसंद है मुझे। आप घर को सजाते हो, आपका पूरा मतलब पूरी इंडिया जितने लोग दिवाली मनाते हैं सब पूरा शहर जगमगा उठता है। प्यार अपने घर में, साफ सफाइयाँ होती हैं, लक्ष्मी जी का आगमन होता है, खुशियाँ, आप पूजा करते हो सब पूरा परिवार साथ में बैठ के, और कहते हैं खुशियाँ, एक दूसरे के घर प्रसाद भेजते हो, तो जगमगाती आपकी ज़िंदगी भी जगमगा उठती है उस लाइट से। तो काफ़ी मैटर करता है दिवाली मेरे लिए। काफ़ी सारी दिवाली सेलिब्रेट की होगी अपने लाइफ टाइम में, सबसे कोई यादगार दिवाली है जो बताएंगे? यादगार दिवाली शायद ये दिवाली मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा यादगार होने वाली है। थोड़ा सा कुछ स्पेशल मैंने प्लान किया हुआ है इस दिवाली, तो आई होप सो वो ये दिवाली मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। दिवाली में एक बहुत बड़ी फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज हो रही है, इंतजार कर रहा हूं। यस, मैं बहुत इंतजार कर रही हूं क्योंकि मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूं और मैं सलमान को अपना भाई जैसा मानती हूं, और मतलब वो बहुत हंसेंगे और शायद उन्हें गुस्सा भी है, लेकिन मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूं सलमान खान की। और क्या टर्न ट्विस्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर में? बहुत ही कमाल के ट्विस्ट आ रहे हैं, और मतलब चिड़ियाघर कुछ एक अलग लेवल पे होने जा रहा है। और मतलब हमें अभी जितना थोड़ा बहुत बताया गया, ज़्यादा तो हमें नहीं पता चला है, लेकिन हमें सुन के ही बहुत मज़ा आ रहा है। कमाल कमाल के कुछ कैरेक्टर्स आने वाले हैं, और क्या नोकझोंक होगी हमारी उनके साथ, हम क्या मतलब हमारे में क्या चेंजेस आएंगे, या और क्या नई नई स्टोरीज आपको देखने को मिल सकती हैं, वो आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग रहेंगी। तो मैं आपसे प्रे करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चिड़ियाघर को देखें, हम आपको बहुत हंसाने वाले हैं, अभी बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चिड़ियाघर को देखें, अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। आपको पता है मंडे टू फ्राइडे 9 PM ओनली ऑन सब TV, क्योंकि असली मज़ा सबके साथ आता है। युवाओं की सेफ्टी के लिए, दिवाली की सेफ्टी के लिए युवाओं से क्या एडवाइस देना चाहते हैं? युवाओं की सेफ्टी के लिए दिवाली, सेफ दिवाली प्ले, मैं ये कहना चाहूँगी कि हालांकि मैं जो बोलूँगी वो बहुत ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करेंगे और नहीं भी करते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं वो। अगर आपको पटाखे फोड़ने भी हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाले वो बॉम्ब होते हैं वो प्लीज़ ना फोड़ें, क्योंकि जो फुलझड़ी होती है वो आप जला लो, उससे भी बहुत अच्छी रोशनी होती है। आप ऐसा कुछ करो जिससे किसी दूसरे को या खुद को भी कोई हादसा ना हो सके, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है, एक नॉर्मल सा अनार बम भी होता है वो भी फूट जाता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए, और क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो नहीं सुनती है, मुझे भी पता है नहीं सुनती है, लेकिन प्लीज़ अपने दूसरों को की नहीं, कम से कम अपनी खुद की सेफ्टी के बारे में आप सोचिए। और हमारे ऐसे पक्षी हैं जो बेचारे पेड़ पे सोए होते हैं रात में,
और बॉम्ब वॉम की एक तो नॉइज से वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि कोई बॉम्ब वहाँ पे फूटा या कोई फुलझड़ी आपने फेंकी, उससे भी बेचारे मर जाते हैं। दिवाली हम सब मिलके मना रहे हैं, उन पक्षियों का भी उतना ही हक है, और प्लीज़ बिना पक्षियों को मारे, उनकी जान लिए, किसी दूसरे को परेशान किए हुए हैप्पी और सेफ दिवाली आप मनाइए। थैंक यू सो मच।